क्योंकि मेरा मानना है ये खिलाड़ी स्वयं नहीं बैठे हैं, ये बैठाए गए हैं। तो इस षड्यंत्र के पीछे कौन है ये भी होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी नार्को टेस्ट जो है वो उन खिलाड़ियों का है और मेरा है, और उनको लगता है दाएं बाएं साएं कोई है तो उनका भी करा लें, क्या दिक्कत है। लेकिन प्रमुख रूप से तो उन लोगों का और मेरा है, तो मैं तैयार हूं। अब प्रक्रिया कैसे पूरी होगी उनकी जिम्मेदारी है। तो क्या मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या उन सारे खिलाड़ियों ने सहमति पत्र कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है क्या भेजवा दिया है, क्या मीडिया को दिखाएंगे वो? तो अगर मीडिया के माध्यम से दिखा देते हैं, मैं भी आपके माध्यम से भेजवा देता हूं। उन्होंने लाइव की बात की है कि लाइव होना चाहिए। अरे लाइव साहिब जो कुछ भी हो सब के लिए तैयार है यार, वो तैयार होना उनका भी तो लाइफ होना है कि केवल मेरा लाइफ होगा, उनका भी तो लाइफ होना है। पहले उनका हो, मैं भी तैयार हूं लाइफ हो। मैं अपना बयान, मेरा दो बार पुलिस पूछताछ कर चुकी, पांच पांच छह छह घंटे सात सात घंटे पूछताछ कर चुकी, और फिर भी जब कुछ बाकी होगा जब भी पुलिस बुलाएगी मैं चला जाऊंगा। जब मैं गलत नहीं हूं तो मुझे कोई पीड़ा नहीं है, और मैं अपनी बात जहां रखना था वहां रखता हूं, कभी कभी आपके सामने भी रखता हूं। और पीड़ा इस समय उनको है क्योंकि वो दलदल में फंस गए हैं। 5 जून को संतों ने देश की जनता को आह्वान किया है कि अयोध्या आइए, और वो जनता से कुछ कहना चाहेंगे जिसमें लगभग सभी धर्म के लोग होंगे, जिसमें मुसलमान धर्मगुरु भी होंगे उस मंच पर, सिख धर्मगुरु भी होंगे उस मंच पर, ईसाई धर्मगुरु भी होंगे उस मंच पर, सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े अधिवक्ता होंगे उस मंच पर, और वो जो धर्मगुरु हैं वो देश की जनता से कुछ कहना चाहते हैं। अब इंतज़ार करिए क्या कहना चाहते हैं। और हम लोग हैं, हम लोग इकट्ठा होंगे क्योंकि संतों ने बुलाया है, अयोध्या के संतों उसमें अगुवाई कर रहे हैं, हम अयोध्या से जुड़े हैं, तो उसमें उम्मीद है कि 11 लाख का आह्वान है। क्या संदेश होगा? अब ये तो भाई संत बताएंगे, मैं क्या बता दूं आपको। अब संत क्या कहेंगे मैं कैसे बता दूं, जो संत कहेंगे वो सुनिएगा, अच्छा लगे तो उसको आगे बढ़। मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, कोर्ट का सम्मान करता हूं, जांच का सम्मान करता हूं, जो भी निर्णय आएगा मैं उसका स्वागत करूंगा। तो साहिब हो जो कुछ भी हो, मैं तो हर सुप्रीम जैसे जो आईओ की जांच समिति बनी थी उस पर मैंने भरोसा किया, खेल मंत्रालय की बनी थी उस पर मैंने भरोसा किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो पुलिस की जांच चल रही उस पर मैं भरोसा कर रहा हूँ, मैं न्यायपालिका को भरोसा कर रहा हूँ। अब आप देखिए दिल्ली पुलिस पर वो सवाल उठा रहे हैं, और जिस दिन उनकी FIR लिख दी गई तो उस दिन के बाद क्या औचित्य बनता है, किस लिए धरने पर बैठे हैं, क्या जांच नहीं होनी चाहिए? अगर आपने कोई चीज़ कही है तो जांच नहीं होनी चाहिए।